हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी एंड चटपटा कुरकुरा नाश्ता, जो कि बहुत ही झटपट से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर हमने चार ब्रेड लिए हैं वाइट वाले, आप देख सकते हो। आपके पास अगर ब्राउन ब्रेड है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद लेंगे एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में ब्रेड को ना तोड़ तोड़ के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके इसके चारों ब्रेड को इसमें हम मिक्सर जार में डाल देंगे। इधर हमने सारे ब्रेड को तोड़ के मिक्सर जार में डाल दिया। उसके बाद ढक्कन लगा के इसे पीस लेना है, ब्रेड क्रम्स बना के इसको हमें रेडी कर लेना है। इधर हमने ब्रेड को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद लिए थे दो मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू, ठंडे आलू लेने हैं। उसके बाद जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है उससे अच्छे से ग्रेट कर लेना है, आप चाहो तो मैशर भी इसे मैश कर सकते हो। उसके बाद जो हमने ब्रेड पीस के रखे थे वो थोड़े से डालेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ। उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी सी। उसके बाद थोड़ी सी अदरक लेंगे ग्रेट की हुई 1 इंच। उसके बाद डालेंगे गाजर, थोड़ी सी ग्रेट की हुई रखी थी तो वो डाल देंगे इसमें थोड़ी सी। उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 2 चम्मच भरकर। टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। उसके बाद डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें 1/4 चम्मच। उसके बाद डालेंगे धनिया का पाउडर 1/4 चम्मच। इसमें फ्रेश हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा। इससे रेसिपी ना बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में भी टेस्ट आता है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे, पेस्ट जैसा इसको बनाकर रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें ब्रेड लेने हैं, और ब्रेड जो हमें चार ब्रेड लिए थे वो तो हमने पीस लिए थे, ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लिए थे, और कुछ ब्रेड अभी लिए हैं। इनको हमें इस तरीके से पीसेस में कट करना है, आप देख सकते हो। एक ब्रेड लेना है और चार पीस में इस तरीके से चौकोल शेप में कट करके रेडी कर लेना है सारे ब्रेड। उसके बाद लेंगे एक बाउल, इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे आधा कटोरी भरकर गेहूँ का। टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे साबुत जीरा 1/4 चम्मच। इसमें थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे इसमें थोड़ी सी, आपके पास ब्लैक तेल है तो वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद डालेंगे सफ़ेद तेल इसमें थोड़ा सा, ब्राउन तेल को हो तो ब्राउन तेल यूज कर सकते हो इसमें। उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन टेस्ट के लिए, इससे डाइजेशन में भी बहुत मदद करती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इससे। उसके बाद डालेंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। उसके बाद पानी लेना है नॉर्मल, उसमें बैटर जैसा इसको हमें बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद जो हमने ब्रेड कट करके रखे थे छोटे पीसेस में, उनमें ना ये जो पेस्ट बनाया था उसको लेंगे चम्मच से और इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर, और अच्छे से सेट कर देना है। आप देख सकते हो वीडियो में, इसी तरीके से आपको बना लेना है। फिर उसके बाद दूसरा पीसेस लेना है और इसके ऊपर हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से रख देंगे, और आलू ज़्यादा नहीं भरेंगे ताकि बाहर ना निकल जाए, बस अच्छे से सेट हो जाए सारे ब्रेड। इसी तरीके से हमने पीसेस को रेडी करके रख लिया है। उसके बाद जो हमने बैटर बनाया था इसको अच्छे से इसमें डिप कर लेना है, जो पीसेस बना के रखे थे इनको अच्छे से डिप कर लेंगे। उसके बाद निकाल लेंगे, अभी इनको हम कर लेते हैं फ्राई। इधर हमने पैन में ऑयल पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। एक एक करके इसमें नाश्ता डाल देंगे, जितना स्पेस होगा पैन में एक साथ उतना डाल देंगे, और गैस को कर देना है मीडियम फ्लेम पे ताकि अच्छे से सिक पाए। अच्छे से सिक चुके, उसके बाद ऊपर से हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे ताकि ऊपर भी हल्का सा सिक जाए। उसके बाद इनको पलट देना है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, नाश्ते को पलट देना है और दोनों तरफ कलर आने तक गोल्डन ब्राउन इन्हें अच्छे से सेक लेना है। बहुत ही प्यारा सा, दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ये नाश्ता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इधर नाश्ता हमारा सिक कर रेडी हो चुका है, अभी इसको हम निकाल लेंगे बाहर। सारे नाश्ते को इसी तरीके से हम निकाल लेंगे और जो बचे हुए उन्हें भी सेम इसी तरीके से हम सेक कर रेडी कर लेंगे। इधर हमारा सारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।